तो हेलो गाइज, कैसे हो? आशा करता हूँ आप लोग ठीक हो गए, घर पर हो गए, सेफ हो गए और अपने फैमिली के साथ इंजॉय कर रहे हो गए। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक पे वीडियो लेके आया हूँ, जो कि आजकल बहुत ही ट्रेंड में चल रहा है। उसका नाम है क्या नाम था यार, याद आ गया, नेपोटिज्म। अब ये नेपोटिज्म क्या होता है, ये वर्ड मैंने भी कुछ दिन पहले सीखा है, जब ये कुछ हमारे एक बहुत ही अच्छे एक्टर सुशांत सिंह राजपूत, उन्हें दिल से भगवान से कहना चाहूँगा कि उन्हें स्वर्ग में जगह दे, उनकी जब से मतलब उनकी जो डेथ हुई उस दिन के बाद से मुझे पता चला कि ये नेपोटिज्म नाम का कीड़ा होता क्या है। क्या तुम्हें हीरो बनना है? हीरो सच में नहीं बन पाओगे। क्यों? तो चलो यार मैं बता ही देता हूँ क्यों नहीं बन पाओगे। क्योंकि तुम्हें अगर हीरो बनना है तो तुम्हें होना पड़ेगा स्मार्ट, नहीं बिल्कुल नहीं, गोरा वो भी नहीं। अगर तुम्हें हीरो बनना है तो तुम्हारे नाम के पीछे होना चाहिए कपूर, कपूर्स द क्रिमिनल्स, कपूर होना चाहिए, या फिर तुम्हारे नाम के पीछे होना चाहिए खान। अगर ये दो टाइटल तुम्हारे नाम के पीछे है तो तुम्हें भाई हीरो बनने से कोई नहीं रोक सकता। अगर तुम्हारा शक्ल कितना भी ख़राब है, तुम कितने ही काले क्यों ना हो, तुम हीरो बन सकते हो। अगर भाई ये तुम्हारे नाम के पीछे ये दो टाइटल नहीं है, तुम कितने भी अपनी रगड़ लो, कितने भी कुछ कर लो, कितने भी माथा मार लो, सिर मार लो, कितने भी क्या बताऊँगा, कितने भी कुछ कर लो, तुम नहीं बनोगे हीरो अगर ये टाइटल नहीं है तो। क्यों? क्योंकि जो बॉलीवुड में बैठा हुआ एक दल्ला है जिसका नाम है करण जौहर, वो सिर्फ नेपोटिज्म को प्रमोट करता है। नेपोटिज्म यही जो स्टार के बच्चों हीरो हो गया तो इसका बच्चा भी हीरो बनेगा, उसका आने वाला बच्चा भी, दादा परदादा जितने आएगा सब हीरो बनेगा, और इनको कोई नहीं, इसने सिर्फ ठेका ले रखा है हीरो के बच्चे को हीरो बनाना, टैलेंटेड को ये दबा के सिर्फ हीरो के बच्चों। यार इस करण जौहर डल्ले की एक वीडियो देखते हैं कि ये कहना क्या चाहता है, कि ये टैलेंट को प्रमोट करता है या फिर ये नेपोटिज्म को। तो आओ यार देखते हैं। हेलो, लाइक यू नो मैंने कोई करता धरता, मैंने कोई आई एम नॉट टेकिंग वन होल लाइक यू नो ठेका ऑफ इंट्रोड्यूसिंग न्यू टैलेंट इन द, व्हेन डिड आई बिकम दैट पर्सन? मैं जो करना चाहता हूं मैं करना चाहता हूं, चाहे मैं अपने फूफे के बेटे को लॉन्च करूं या मेरी चाची के भतीजे को लॉन्च करूं, आई कैन डू व्हाट द। देख लिया वीडियो, क्या देखा? ये दल्ला कह क्या रहा है कि इसने ठेका नहीं ले रखा है बॉलीवुड का, मतलब इसने ठेका नहीं ले रखा है कि टैलेंटेड हीरो को आगे बढ़ाएगा, और ये सिर्फ अपने स्टार किड मतलब अपने जो दोस्त यार इनके बच्चों को प्रमोट करेगा, ये खुलेआम बोल रहा है। तो भैया एक बात सुन ले मेरी, बॉलीवुड तेरे बाप की नहीं है, ये बात समझ ले तू। पहली बात, हिंदी फिल्म में कोई भी आके कोई भी हीरो बन सकता है, अपने बाप की ना समझ लियो, ठीक है? माना तेरा होगा बड़ा सा प्रोडक्शन, लेकिन जो बंदा अपने टैलेंट के दम पे आएगा ना, आज नहीं तो कल वो हीरो बनेगा ही। तो यार, और जिनको तू आज नेपोटिज्म के दम पे हीरो बना रहा है ना, अनन्या पांडे, टाइगर श्रॉफ, इन जैसे जो बस टाइटल के लेके घूम रहे हैं कि हीरो के बच्चे तो हीरो बनेंगे, याद रख लियो इनका फ्यूचर ज़्यादा नहीं चलेगा, ज़्यादा दिन यह नहीं टिक पाएंगे, क्योंकि टैलेंट बोलता है। अब नहीं बना पाएगा तू यार लोगों को चूतिया। जिनको इसने हीरो बनाया उनकी एक वीडियो आपको मैं दिखाता हूँ कि इनमें क्या टैलेंट है, किस टैलेंट के दम पे इसने ही से हीरो बनाया। अनन्या, आप एक्टिंग के अलावा और किस किस में शौक रखती हैं आप, क्या आपको पसंद है? शौक? मैं एक्चुअली मेरे टांग को मेरे नोज तक टच कर सकती हूं। हाउ क्यूट, इट्स माय टैलेंट, शो वेरी नाइस, ओ नॉट बैड। देख ले वीडियो, क्या टैलेंट दिखा आपको इसमें। यार भैया इससे सही एक्टिंग ना जो हमारे वेब सीरीज करते हैं ना, वेब सीरीज जो नए नए अभी वेब सीरीज बन रहे हैं, उनकी एक्ट्रेस इससे सही वो कर लेती है एक्टिंग। पता नहीं क्या देख के यार बना देते हैं, बस नाम के पीछे कपूर खान है तो यार स्टार बना दो। भैया नहीं चलेगा ये नहीं चलेगा। तो भैया एक बात बता दूं मैं आपको कि ये जो बॉलीवुड है ये अपनी बराबरी कर रहा है भोजपुरी फिल्म के साथ, और ये जो हमारी साउथ इंडियन मूवीज है जिसको हम बोलते हैं मद्रासी मूवीज, भैया ये गजब गजब की मूवी बना रहे हैं। बाहुबली देख लो इनकी मूवी थी, आई मूवी इनकी है, इतनी जबरदस्त जबरदस्त मूवी बना रहे हैं, ये हॉलीवुड को टक्कर देने जा रहे हैं, और हमारे बॉलीवुड वाले भोजपुरी से भी इनका लेवल गिरते जा रहा है। भैया भोजपुरी भी इनसे सही फिल्में बना रहे हैं अब तो। इनको बस और कोई स्टोरी तो मिलती नहीं, बस ये प्यार मोहब्बत चेपते रहेंगे लोगों को, आई लव यू लव यू। भाई कोई थ्रिलर मूवी बनाओ, कोई अच्छी बनाओ स्टोरी डाल के, कुछ ही नहीं, बस साउथ इंडियन मूवी बनाएंगे, इनको कॉपी कर देना है, बस हॉलीवुड से लाओ कॉपी कर दो, और कुछ ही नहीं।
तो चलो दोस्तों यार, इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, और मैं दुआ करता हूँ कि बॉलीवुड आगे मतलब टैलेंटेड हीरो को प्रमोट करेगा, और इन जैसों की दुकान बंद करो यार, इन्होंने कुछ नहीं करना, बस हीरो के बच्चों को ऐसे बनाया जाना, ये हम लोगों का बस पैसा निकालेंगे जेब से, और इनको अपना बस अपना बैंक बैलेंस बढ़ाना, और कुछ नहीं करना इन्होंने, कुछ नहीं। इनको 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 जो नॉर्थ इंडिया के एक्टर्स है, जो कि इधर यूपी बिहार ये इधर के एक्टर्स जो जाते हैं, इनको ये काम धंधा नहीं देते, इनको कोई काम नहीं दिया जाता है, जो फिल्में इनको मिलती है वो भी छीन लेते हैं ये, और अपने बच्चों को दे देते हैं। तो यार इनकी दुकान बस यहीं पे बंद करो, और आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगे तो एक कमेंट कर देना, और ऐसी नई नई वीडियो लेके आता रहूँगा, एक लाइक कर देना तो मोटिवेशन मिलती है। और भाई भगवान से दुआ करूँगा, वो जहाँ भी हो, सुशांत सिंह राजपूत सर जी, उनकी आत्मा को शांति दे और उन्हें स्वर्ग भरमाए। तो चलिए भाई, धन्यवाद।